हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और सभी की फेवरेट होती है। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 कटा हुआ टमाटर, आधा कप फ्रोजन मटर, 8 से 10 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक, 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 लाल मिर्च, 200 ग्राम पनीर। अब हम इन सूखी लाल मिर्चों को बीज से तोड़ लेंगे और इसका बीज निकाल लेंगे। हमें इसे गर्म पानी में आधे घंटे तक के लिए रखना है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। हमें टमाटर को गल जाने तक पका लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे हम टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। सोख किए हुए मिर्च को हम भुने हुए टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, काफी अच्छा कलर आया है। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और बचा हुआ ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही क्रैकल करें हम इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मसाले डालने से पहले हम फ्लेम को लोअर पे रखेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब हम प्याज और टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें मटर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो मटर को बॉईल करके यूज करें। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी में बॉईल आने लगा है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे ढककर 2 मिनट तक बॉईल कर लेना है। हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।